बॉलीवुड की फिल्मी फैमिलीज में से एक है दत्त फैमिली। सुनील दत्त अपने अच्छे व्यवहार और अपने रोल्स के कारण इंडस्ट्री में काफी सम्मानित थे। नरगिस दत्त भी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग कला के लिए फेमस थीं। दोनों ने 1958 में शादी की और उनके 3 बच्चे संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त हुए। संजय ने बॉलीवुड में अपना एक बड़ा नाम बनाया, पर कॉन्ट्रोवर्सीज ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। चाहे उनकी पीने की आदत या ड्रग्स हो, या फिर 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में कोर्ट के चक्कर, या फिर अलग अलग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स से अफेयर के चर्चे। संजय ने सबसे पहले 1987 में यूएस की ऋचा शर्मा से शादी की। उनकी एक बेटी त्रिशाला है। त्रिशाला अपने नाना नानी के साथ यूएस में रहती हैं। 1996 में ब्रेन ट्यूमर से ऋचा की मृत्यु हो गई। 1998 में संजय ने रिया पिल्ले से दूसरी शादी की, लेकिन उनका रिश्ता 2005 तक ही चल पाया और दोनों ने डिवोर्स ले लिया। 2008 में उन्होंने तीसरी शादी दिलनवाज शेख यानी मान्यता दत्त से की। उनके ट्विंस शेहरान और इकरा हैं। मान्यता संजय की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हैं। उनकी बहन नम्रता की शादी कुमार गौरव से हुई, तो बहन प्रिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं। इनके अलावा संजय दत्त की नानी जद्दन बाई एक गायिका, संगीतकार, अभिनेत्री और फिल्म मेकर थी, जो अपने जमाने की काफी सक्सेसफुल लेडी थी। तो ये थी कुछ बातें संजय दत्त की फैमिली के बारे में। उनकी जल्द रिलीज होने वाली बायोपिक का हम सबको इंतजार है।